हेलो स्टूडेंट दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ एमकॉम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का ये आपका पेपर है और इसमें हम लोग एम सी ओ ज़ीरो टू वन मैनेजरल इकनॉमिक डिस्कस करेंगे अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा या उसका सॉल्यूशन भी बेटा कोशिश करूँगी मैं वन और टू मतलब क्वेश्चन नंबर वन मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से टू थ्री सारे के सारे क्वेश्चन एक एक पेपर करके मैं डिस्कस कराऊँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएँ कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे ठीक है तो इसमें पांच क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क का होगा और ऐसे ही आपको पांच अटैम्प्ट करने हैं तो हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा थ्री आर्स मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वन बाय वन क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है कि एक्सप्लेन करो कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स को बताओ एग्जाम्पल्स के साथ ठीक है तो सबसे पहले आपको एक दिमाग में रखनी पड़ेगी चीज कि सबसे पहला जो टॉपिक अपनी नोटबुक में डाल लो दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ठीक है जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा चाहे इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आए चाहे वो शॉर्ट नोट में बन के आए या लॉन्ग बन के आए ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जैसे कि आप देख हो दोनों ही क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करते हैं नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स मतलब जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसमें आपको एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आप अच्छे से नहीं करोगे और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाएगा तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो फ्रेम हो रहा है लॉ के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है एक डायग्राम के साथ बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या होता है ठीक है मार्केट में इसका किस तरीके से रोल होता है तो इसमें आप पहले उसकी डेफिनेशन देन उसका ग्राफ देन ग्राफ का टेबल शेड्यूल उसका फिर एक्सप्लेनेशन शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देन ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देन उसकी डिटेल आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा सो दैट कि आपका अच्छे सो स्टूडेंट्स so अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है नाउ एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स क्या क्या बताना है आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बताना है टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट जिसमें हम एक यूनिट uh, जब आउटपुट हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो पहले की कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है एवरेज कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ उसकी डिस्कशन करेंगे इन डिटेल और टोटल कॉस्ट मीन्स सम ऑफ़ टोटल आउटकम सम ऑफ़ टोटल कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट और इसकी इन सब की जो डिस्कशन है ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में कर चुकी हूँ जो आपकी आपकी वो वाली वीडियो है कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक लिंक दूंगी उसके अंदर आप अच्छे से जाके कॉस्ट को डिटेल में स्टडी कर सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करूँ तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ तो इसी तरीके से मैं आपको ये सब मेंशन कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ये जो है आपका ये मार्किट से रिलेटेड टॉपिक के अंदर आता है मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने मार्केट की डिटेल में डिस्कशन कर रखी है इकोनॉमिक्स में जिसके अंदर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओलीगोपोली इन सब की डिस्कशन हम वहाँ पे करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस क्या होता है प्राइस की हम लोग वेरिएशन लेके आते हैं जब मोनोपोली होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है मोनोपोली जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो उसके अंदर आपने अभी मैंने बताया कि कितनी सारी फॉर्म्स होती हैं मोनोपोली हो गई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया परफेक्ट कंपटीशन हो गया तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है तो इसी उसको बताना है उसके सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जब हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं अलग अलग कस्टमर के अंदर ना क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट वायर चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव विद एग्ज़ाम्पल जब हम अल्टरनेटिवस को चूज़ करते हैं तो हमें सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट को चूज़ करना पड़ता है तो हम किस किस मेथड के थ्रू उसको चूज़ करते हैं उसकी टेक्निक क्या होती है ये सब एक्सप्लेनेटरी नोट्स में बोल रखा है स्कोप बताओ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की और लॉन्ग रन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को बताओ और ये भी आपका टेन और टेन मार्क्स का है जो हिंदी uh, मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मुझे ज़्यादा कुछ हिंदी के बारे में नहीं पता लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है तो ये है आपके क्वेश्चंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दैट इज़ सेवन एंड एट अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट और वन का बी पार्ट आप लोगों को अभी कराऊंगी, तो आप लोग अच्छे से उसको समझिए और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना ठीक है तो उसके बाद सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स को समझने से पहले प्राइज इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है ठीक है तो आप लोग दिमाग में रखोगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है जैसे एक रबड़ बैंड देखा होगा आप लोगों ने समझ जाओ कि उस रबड़ बैंड को आ, हम कितनी तरीके से खींच सकते हैं मान लो ये रबड़ है इस रबड़ को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो इज़ द इलास्टिसिटी कितना चेंज आता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में जैसे कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल एक वेरिएबल को चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल में सेकेंड वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कुछ चेंज होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड कहते हैं तीन फॉर्म ऑफ मेजर होती हैं इसके अंदर तीन फॉर्म्स मेजर हैं जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस लेक्चर वीडियो में बेस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे तो बहुत फोकस करना ये कहता क्या है इलास्टिसिटी को तीन कैटेगरी में बता दिया प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम पढ़ते हैं प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि हाउ अ चेंज इन प्राइज अफेक्ट्स द क्वान्टिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ इसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोबारा समझो प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा अब मैं एक शेड्यूल के हेल्प से आपको समझाती हूँ मान लो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि समर सीज़न है तो आइसक्रीम तो मस्ट है आइसक्रीम की बात कर रही हूँ तो अगर मैं ट्वेंटी रुपीज़ की पहले आइसक्रीम थी तो मैं टू आइसक्रीम खाती थी अब वो प्राइस बढ़ के फोर्टी रुपीज़ हो गया ठीक है अब मैं वन आइसक्रीम खाने लगी तो आपने क्या नोटिस किया कि जब मेरे पास प्राइस ट्वेंटी थे प्राइस के बदलने की वजह से प्राइस के बढ़ने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे फ़र्क पड़ा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो इसी तरीके के चेंज को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड का ठीक है उसके बाद ये बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू ओवर द परसेंटेज चेंज इन प्राइज ठीक है उसके बाद देखो लॉ बताता है लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉ बताता है लॉ स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इफ द प्राइस ऑफ अ कम इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज एंड इफ दफ द प्राइज डिक्रीजेज द कोांटिटी डिमांडिड इंक्रीज ना प्राइस लॉ ऑफ डिमांड को हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता जैसे गिवन गुड्स हैं वेबजन गुड्स हैं ठीक है गिफन गुड्स कौन से होते हैं गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं जो कि अगर प्राइस बढ़ता भी है तब भी हम लोग उसको कम खरीदते हैं प्राइस बढ़ता भी है तब उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं प्राइस घटता है तो उसको हम कम खरीदते हैं फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं ठीक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपको डेफिनेशन आ गई और इसके बाद परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक वर्ड से समझो इलास्टिक खींच रहे हैं इलास्टिक है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है इलास्टिक मीन्स उसको तो हम खींच सकते हैं पूरी तरीके से तो इसका मतलब है प्राइस कित प्राइस सेम रहेगा प्राइस के चेंज होने पे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आपकी फ्लक्चुएट करेगी व्हेन अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब थोड़ा सा चेंज होगा प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे तो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो हम डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे चेंज कर देंगे बहुत ज़्यादा चेंज बाद में खरीदेंगे अब बाद में खरीदेंगे ठीक है इस तरीके से इस टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू ज़ीरो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खरीदेंगे ही नहीं ये सामान थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो बाद में खरीदेंगे डिमांड फर्दर डिलीवर कर दी फिर उसके बाद बाद में खरीदेंगे और बाद में ख़रीदेंगे और फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम उसको ख़रीदते भी नहीं हैं तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि डिमांड चेंज होएगी प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी परफेक्टली खिंचती चली जाएगी ठीक है तो ये होता है आपका लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम डिमांड को फर्दर एक्सीड नहीं कर सकते बच्चों फ़र्दर एक्सीड नहीं कर सकते वो जैसे कि मेडिसिन है मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो कि अगर चाहिए तो उसी टाइम चाहिए ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम आज फीवर है तो हम दो दिन बाद दवाई खा लेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते ना तो उसकी डिमांड को हम फर्दर एक्सीड नहीं कर सकते इसी सिचुएशन वाली चीज़ों को हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं वैन अ चेंज इन द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड प्राइस के बदलने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं हुआ इस तरीके के डिमांड को बोलते हैं परफेक्टली इनलास्टिक मीन्स भाई अपनी जिद पे अड़े हैं हम नहीं हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए वहाँ हम लेट गए कि हाँ भाई मिल जाएगी तो ठीक है नहीं तो नहीं तो डिमांड आपने लेटे पड़े आराम से यहाँ पे खड़े हुए नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए तो इस तरीके से आप एक आ, तरीका है ये याद करने का वहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो करेक्ट यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ वहाँ पे आपकी इंफिनिटी जा रही है इनफाइनाइट तक जा सकती है वो सिचुएशन आगे बढ़ते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड को रिलेटिव इलास्टिक मीन्स कुछ हद तक इलास्टिक होगी वह अ प्रपोर्शनीट और परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज अब वो ज़्यादा हो रहा है कि कम ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है अगर मैं परसेंटेज प्राइस का चेंज कर रही हूँ तो जो डिमांड है वो भी प्रपोर्शनेट ही चेंज होगी वो कितनी होगी फॉल और राइज कर सकती है लेकिन कौन ज़्यादा होगा डिमांड ज़्यादा होगी मतलब अगर मैंने प्राइस में चेंज किया प्राइस में चेंज किया तो डिमांड भी चेंज होएगी लेकिन कौन ज़्यादा होगा डिमांड जो प्राइस है डिमांड ज़्यादा चेंज होएगी एज़ कम्पेयर टू प्राइस उसको रिलेटिव इलास्टिक बोला गया डिमांड ज़्यादा हो रही है तो इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक कौन सा था जिसमें हम लेटे हुए हैं इनलास्टिक कौन सा था बिल्कुल भी नहीं हट सकते खड़े हुए हैं और रिलेटिवली इलास्टिक है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी रहेगी यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है प्राइस की वो वन से ज़्यादा रहेगी तो आप देख सकते हो कि प्राइस में चेंज आया प्राइस बढ़ गया एक सेकेंड प्राइस पहले पी से पी वन हो गया ठीक है पी से पी वन हो गया तो क्वांटिटी भी पहले प्राइस ये था क्वांटिटी ये थी अब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज देख सकते हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा फ़र्क है इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे बनता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक अब डिमांड क्या रहेगी खड़ी खड़ी थोड़ी सी तो ये इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा ठीक है यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइस ज्यादा कम और क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसमें प्राइस ज्यादा कम हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड पे कम फर्क पड़ा जब परसेंटेज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस इज लेस देन द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या एक मिनट बच्चे रुकना आ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे बोला है प्राइस प्राइस में जो फंक्शन बना प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन, नहीं सही तो है ग्रेटर चेंज इन डिमांड पढ़ने में गलती हो गई फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है बना परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस इज़ लेस देन द परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड मतलब प्राइस पे प्राइस ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड पे कम फ़र्क पड़ेगा जो चेंज में है फिर उसके बाद बोल रखा है इन अदर वर्ड्स अ चेंज इन डिमांड डिमांड पे चेंज कम होगा यहाँ पे क्या बोला था डिमांड पे चेंज ज़्यादा होगा सही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बताया ऊपर भी और नीचे भी ठीक है उसके बाद बोल रखा है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो का इलास्टिसिटी है वो वन से कम रहेगा और जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से बनेगा तो कोई डाउट नहीं रखना सारी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है यूनिट्री इलास्टिक डिमांड बहुत ही सिंपल होता है इसमें कह रखा है जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा कोई भी दिक्कत नहीं है जितना चेंज डिमांड में होगा उतना ही चेंज प्राइस में होगा तो अगर आप देख सकते हो जो प्राइस था वो पहले कम हुआ फिर एक तरफ बढ़ रहा है तो एक तरफ़ ये क्या बता रहे जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रहा है प्राइस ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल आप देख सकते हो बराबर फ़र्क है ये वाला फ़र्क देख लो ये वाला फ़र्क देख लो तो बिल्कुल ही बराबर बराबर हो रहा है तो इसको यूनिट्री इलास्टिक डिमांड कहा गया है यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ हमने पाँच कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है एक तो इलास्टिक रबड़ बैंड खींच सकते हैं डिमांड ग्राफ कैसे बनेगा इस तरीके का इन इलास्टिक और इन्फिनी तक जाएगा आपका फिर यहाँ इन इलास्टिक बिल्कुल ज़िद पे अड़े हुए हैं नहीं हिलेंगे फिर उसके बाद इन इलास्टिक के बाद रिलेटिवली इलास्टिक तो उसमें थोड़ा सा लेटा हुआ है ठीक है झुका हुआ है और रिलेटिवली इन इलास्टिक तो उसमें थोड़ा सा खड़े हो खड़ा है लेकिन वो किस तरीके से है ऐसा स्लाइटली और यूनिट्री इलास्टिक का तो अभी हमने पढ़ ही लिया यूनिट्री इलास्टिक का किस तरीके से होता है क्या हो गया इसको बिल्कुल प्रोपोर्शनेट में तो होपफुली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे न फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस रिलेटेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फ़र्क पड़ेगा जैसे कि क्लोज सब्सटिट्यूट अगर किसी भी चीज़ का हु बहू मान लो चीज़ मिलती है जैसे पैप्सी और कोक लगभग एक जैसी ही लगती है अब किसी को लगे कि ना लगे कोक का कोला ठीक है फिर उसके बाद पेप्सी और कोक इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो पेप्सी नहीं मिल रही तो हम तुरंत कोक पे शिफ्ट कर जाते हैं तो ये क्या है डिमांड क्या होगी ज़्यादा इलास्टिक होगी अगर सब्सटिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी हम तुरंत डिमांड को शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट पे लेकिन अगर क्लोज सब्सटिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनलास्टिक रहेगी एक बार पढ़ लेते हैं इसको इफ़ कंज्यूमर कैन सब्सटिट्यूट द गुड फॉर अदर रेडिबेबल गुड्स कंज्यूमर रिगार्ड ए सिमिलर द प्राइज इलास्टिसिटी वुड बी कंसिडर्ड एज इलास्टिक इफ़ द कंज्यूमर आर अनेबल टू सब्सटिट्यूट तो इन इलास्टिक डिमांड समझ गए नेक्स्ट इफ़ द गुड इज़ नेसेसिटी देखो अगर ज़रूरत है ज़रूरत है किसी चीज़ की तो डिमांड हमेशा इन इलास्टिक ही रहेगी तो मैंने बोला है वहाँ पे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और जहाँ पे आपको नेसेसरी नहीं है गुड्स तो वहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक इलास्टिक भी हो सकती है इनलास्टिक कब होगी इन इलास्टिक होगी नेसेसिटी के टाइम पे इन इलास्टिक इन इलास्टिक ठीक है इन इलास्टिक या लेसर इलास्टिक द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट अगर छोटा सा हिस्सा इनकम का खर्च हो रहा है तो क्या रहेगी आपकी इन इलास्टिक और अगर बहुत बड़ा हिस्सा यूज हो रहा है इनकम का तो इलास्टिक मैं एक एग्जांपल देके के आपको बताती हूँ जैसे कि मान लो आपको पेन ख़रीदना होता है ठीक है तो आप कहते हो नहीं भाई मैं पाँच दिन बाद खरीदूंगा, नहीं मैं दस दिन बाद खरीदूंगा, नहीं तुरंत तो तो जाते हो पेन ले आते हो लेकिन अगर बुक है बुक की कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो क्या आप तुरंत चले जाओगे हाँ भाई किसी किसी का बजट है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तुरंत ले आएंगे लेकिन अगर रिलेटिवली पेन के कंपैरेटिवली देखूं तो इसकी डिमांड को हम क्या कह देंगे भाई हम कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे तो इस तरीके से हम डिमांड को देखते हैं टाइम लैब्स सिंस अ चेंज इन प्राइस अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग टर्म कंज्यूमर मोर इलास्टिक ओवर लॉन्ग पीरियड्स जब ज़्यादा टाइम बनता है तो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं और अगर कम टाइम लग रहा है किसी प्रोडक्ट बनाने में तो कम इलास्टिक होते हैं देखो ये वीडियो जो है आपका लेक्चर जो है ये बड़ा भले ही बना है लेकिन इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात की है तो अब जल्दी सा वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो ये छोटा सा गिफ्ट मुझे दे दो ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आप लोगों को हेल्प कर सकूँ एग्ज़ाम में नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी